फौज के कें भी गैर आइनी कदम का रोकंदी अस आइन अवाम जो दिफा कंदी जानू था मुल्क अदालत से दुख्य वक्त हली रो है। फौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल खिलाफ दरख्वास्त बुधने दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मराता बंदियाल जहाँ रिमार्क्स संद चवण है 9 मई से संगीन वाकया थे। मियांवाली में भित टोड़े फौजी तनसीबों हमला क्या वह फौज की तारीफ करण घुर्जे त शहर से गोलियों न हलाय व 35 और 38 साल मुझे हो गए हैं। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सरदारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें। जो लोग मुझे यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत गई साजिश के जरिए, 4 साल वो मंजुआ बंद हो गया। ताना मिलन था तो एस्टेब्लिशमेंट जा मानू आयो पर असा ते को भी फर्क नथो पवे। जाती मफादन लाए कदे भी सिपहसालारन सा मुलाकात ना है कई, मकसद रुगो एक ही हो तो मुल्क के अगते वधाइणो है। नवाज शरीफ की हुकूमत के साजिश तहत हटाया वो, नवाज शरीफ की हुकूमत न वने हा तो समूरा मनसूबा मुकम्मल थी वन हा। बारा कहू मनसूबे से ट्रैफिक जो मसलो हल थी वो, बारा कहू इस्लामाबाद जो बेहतरीन मनसूबो है, दुख्याँ अचण से दाह वसीले मसला हल क्या वा, मुल्क की तरक्की खुशहाली लाइ दुख फैसला करना पवंदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तकलीफ खिताब पाकिस्तान ईरान विच में 5 साल जो स्ट्रेटजिक व्यापार जो मुआदो तय थी वो। पाक ईरान परडेही वजीर व्यापार समेत मुख्तलिफ शोबर में सहकार के मुआदन से सहयू कर छ्यूं। मुआदन से बितरफे व्यापार के 5 अरब डॉलर सदाइंदी। असाजे अज के कदम से इंद केतर ही साल तवाम फायदो हासिल कह रो। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरानी हमनसब से गल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के परडेही वजीर पारा बाजोड़ में आबगाती धमाके की मजम्मत। संद चवण है गैस पाइपलाइन मनसूबो बिन्हीं मुल्क के मुफाद में है। ईरान पाकिस्तान चीन विच में गडियल सीड़पकारी जो मनसूबो होजन घुर्जे। मेरा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल शुरू होगा जिस दिन असेंबली डिसॉल्व, उसके बाद 3 दिन हमारे पास हैं और वो भी अपने नाम लाएंगे, हम मैं भी अपने नाम लेके आऊँगा जो सलाह मशवरे से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 3 दिनों के अंदर किसी न किसी नाम पे मुत्तफिक हो जाएंगे। अगर नहीं होते मुत्तफिक तो आइन में सारा लिखा हुआ है, फिर वो 2 दिन के लिए बनेगी पार्लियामेंट्री कमेटी, वो उसके पास जाएगी और 2 दिन और फिर इलेक्शन कमीशन, अगर वहाँ पर भी कोई अग्रीमेंट नहीं होती है जिस दिन असेंबली रिजॉल्व होती है मैक्सिमम या 4थे दिन या 8वें दिन या इनके दरमियान केयरटेकर चीफ मिनिस्टर जो वोट ले लेगा। सिंध में निगरान वाले वजीर जो नालो फाइनल ना है थियो, पार्टी क्यादत सा मुशावरत जारी है। जी असेंबली टुटनी टिन या 4 दिन के अंदर निगरान वाले वजीर जो नालो सामू अचन घुर्जे। ऑपोजिशन लीडर भी निगरान सेटअप लाए मुखालिफ जुड़ सा सलाह मशवरा करे। सिंध के वे वजीर सैदुरान दिशा जो मीडिया से गालियों से चवण है तो सिंध सरकार तालीम की बेहतरी लाए कदम खयान। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत रजाकबाद में कई पी वे, डिजिटल तालीम के हथी दियण जरूरी बन जी है। सिंध में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन मुशावरत शुरू कर छी। एमक्यूएम जी डी अगवान की मुलाकात। मुखालिफ धुर अगवान जो चवण है निगरान वरे वजीर और काबीना मेंबर के लिए गडियल नाला पेश कर घुर्जन। अड़ा मानू शामिल होजन घुर्जन जेके शफाफ इलेक्शन कराए सघन। शयूं वन साइडेड न होजन घुर्जन। अपोजिशन हाकारी सोच से अगते वधी रही है। नवाज लीग चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सिविल जज की जाल हथा मुबैना तौर से तशद जो निशानो बनल निंगरी रिजवाना की अयादत। सुन चवण है रिजवाना के मामले से खेस वो दुख और तकलीफ पौती है। को केतरो भी ताकतवर छो न हो उनके कानून के दायरे में आंदो वे बार तालीम तरबियत हिफाजत रियासत की जिम्मेवारी है। कौमी अवामी तहरीक की मेज़बानी हेठ मिठी में थर बचायो कारूंझर बचायो कॉन्फ्रेंस। कारूंझर रुगो जबल न
पर तहजीबी विरसो हुजण सां गरोगर मजहबी अकीदत आपाशी ज़रायत ऐं झंगली जीव जे तहफ़ुज़ जो ज़रियो पिण आहे। कारूंझर जी कटाई नंगर पार्कर जे रहवासियुनि जे ज़िंदगी जे मिड़नी वसीलनि खे कटण जे बराबरि आहे। अयाज़ लतीफ़ बलीजे जो कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब, संदसि चवण आहे त कमीशन ख़ातिर कारूंझर खे नीलाम कयो पियो वञे। कारूंझर समेत सिंध जे मादनी वसीलनि ऐं ॿेटनि ते कंहिंखे बि कब्ज़ो करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। JUI तरफ़ा नंगर पार्कर में दिफ़ा कारूंझर जे उनवान तहत एहतजाजी सिलसिलो जारी। एहतजाजी जलसे में वॾे अंग में कारकुननि जी शिरकत। मौलाना राशिद महमूद सूबरे चयो आहे त असां कारूंझर जी नीलामी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं। राणीपुर वेझो ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो क़तल थी वियल सीमा ऐं खुर्शीद खातून जा मर्द पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल। ॿुधायो पियो वञे त घांघरा बरादरी जे ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो थियो। पंगड़े भरिसां 30 वरनि जी परणियल औरत मुबैना इज्तमाही ज़ियाती जो शिकार। आर जे मथे जवार कतरे ऐं संदसि मुंहं ते काराण हणी तज़लील जो निशानो बि बणायो वियो। मुतासिर औरत इंसाफ़ लाइ थाणे ते पहुची वई। पंगड़ियो पुलिस NC दाख़िल करे औरत खे मेडिकल लाइ टंडोबागो मोकिले छॾियो। पुलिस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ तहरुक न वरितो। उमरकोट में घिटीअ मां गुज़रण ते नौजवान जी तज़लील। जवाबदारनि पारां नौजवान दिलीप मेघवाड़ जो मथो मुछूं ऐं भिरूं कूड़े मुंहं ते कारह मले तज़लील जो निशानो बणायो वियो। नौजवान खे मुबैना तौरु कपड़नि खां आजो करे सख़्तु तशद जो निशानो पिणु बणायो वियो। राणीपुर वेझो घांघरा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि विच में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो। फायरिंग जे नतीजे में ॿ औरतूं मारिजी वियूं। क़तल थी वियल सीमा ऐं खुर्शीद खातून जा मर्द पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल। मुगवी ॿारड़ी प्रिया कुमारी जे बाज़ियाबी लाइ सखर में सियासी समाजी धुरनि जी एहतजाजी रैली। जसकम अगवान नियाज़ कालाणी ऐं पुनल सारियो जी अॻवाणी में SSP ऑफिस वारो धरणो। अॻवाणनि जो चवणु आहे त प्रिया कुमारी जे अॻवा खे 2 साल गुज़री विया। पुलिस बाज़ियाब करण में नाकाम थी वई आहे। सिंध खे धाड़ेलनि जे हवाले कयो वियो आहे। पुलिस जी नाअहलीअ सबबि प्रिया कुमारी बाज़ियाब न थी सघी आहे। दादू वेझो सीता जे घोट निसार चांडियो जो रहवासी नौजवान फुर्साट नमूने गुम। वारसपार आगवा जो शख़्स ज़ाहिर। नौजवान अली गुल चांडियो जी अमर जो पुट जी बाज़ियाबी लाइ दादू प्रेस क्लब आॾो एहतजाज। हिन चवण आहे त पुटु 17 ॾींहनि खां गुम आहे। शक आहे त खेसि अगवा कयो वियो आहे। सकरण वेझो ॻोठ मरियाबाद में मासूम ॿाड़ो घराड़ो पाणी जी खॾ में ॿुॾी अजल जो शिकार। ॿाड़ो हीरो वलद मोहम्मद मरी घराड़ो रांदि कंदे पाणी जी खॾ में ॿुॾी फौत थी वियो। पिरियालो जे कचे वारे इलाइक़े में सिंधु दरिया में 6 वरियनि जी निकिरी ॿुॾी फौत। ऐं ॻड़ी असर ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में उरड़ी ते ज़ाब्तो न अची सघियो। नींगर उरड़ी विघे फौत। ॻोठ हाजी मीर बैग बंगलाणी में 2 सालनि जो मासूम नींगर रहीम बख्श बंगलाणी उरड़ी विघे हयाती विञाए वेठो।